वेलकम बैक वंस अगेन। टुडे वी विल टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हवाले से, जो कि बहुत सिंपल है और हम आपको मेथड बता चुके हैं कि कोई भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों का ख्याल रखना है, वो कौन कौन सी है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इसमें आता है हैड बीन। क्या आता है भाई? हैड बीन। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वी आर यूजिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सो वी आर यूजिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सो हमारे पास यहां पर जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी वो इस तरह से यूज होगी, स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, इस तरह से। ठीक है, तो डेफिनेशन से पहले हमें एक चीज और समझनी है कि इससे पहले वाले टेंस के अंदर आपके इसमें ना टाइम मेंशन भी होता है। टाइम मेंशन देखिए किस टेंस के अंदर होता है। हमने इसके हेल्पिंग वर्ब को स्टडी करा है। इसका हेड बीन क्या है? हैड बीन। सबके साथ हैड बीन लगेगा, सारे मींस सारे प्रोनाउंस के साथ हैड बीन लगेगा। और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर यूज होगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक चीज, दो चीजों का और इंटरेक्शन है। देखिए वो क्या है, इसके अंदर आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करो। अब ये सिंस और फॉर कहां यूज होते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है। आप इसे कह सकते हैं कि वी यूज सिंस, we use since for point, we use since for point of time, एक ये हो गया। एंड वी यूज फॉर, फॉर मतलब ये फॉर दूसरा वाला है। एंड वी यूज फॉर, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होगा, और जब टाइम ड्यूरेशन आपको दे देंगे उसमें आप फॉर इस्तेमाल करोगे। शायद समझ ना आया उसको और मैं क्लैरिफाई करता हूं। देखो बहुत सिंपल है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ रहा था, हो सकता है अभी भी बंद करी हो मैंने किताब, वो सुबह से गेम खेल रहा था। इसमें देखो स्टार्टिंग पॉइंट आ, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं आ रहा, दो घंटे से, तीन घंटे से, पांच मिनट से, अब ये टाइम ड्यूरेशन आ गया। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग भी दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब जब इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ दो मिनट से, दो साल से, दो घंटे से, दस मिनट से, दो सेकंड से, पांच मिनट से, उसमें आप फॉर यूज करोगे। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करोगे? जिसमें टाइम का दौरानिया दिया हुआ उसके अंदर आप क्या यूज करोगे? फॉर। और जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ उसमें आप क्या यूज करोगे? सिंस। तो सिंस इस्तेमाल होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर इस्तेमाल होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, He had been playing cricket since morning. Starting point है तो since आएगा। वो 10 मिनट से बातें कर रहे थे। They had been talking for 10 minutes. Clear हो गई बात? वो 10 मिनट से बातें कर रहे थे। इसमें टाइम का दौरानिया आ गया, टाइम ड्यूरेशन आ गया, इसमें हम फॉर लगाएंगे। और वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, इसमें हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन को भी साथ साथ स्टडी कर ही लेते हैं। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखे, हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब देखा, वो कौन सा था? वो था हैड बीन। और हैड बीन के साथ हमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करनी है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कोशिश कीजिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो और कोशिश कीजिएगा, फिर आ जाएगा। अब चलिए इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो माजी में स्टार्ट हुआ हो, कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, माजी में एक और वक्त तक जो है वो जारी रहे। मतलब अगर ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। ऐसा एक्शन, ऐसा अमल जो माजी में स्टार्ट हुआ, माजी में कंटिन्यू रहा और माजी में ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल रहे होते हैं, वो तुम्हारा 10 मिनट से वेट कर रहा था, तुम आए नहीं यार, चला गया वो, चाहे वो दोस्त वेट कर रहा हो। तो कहने का मकसद ये है कि उसने वेट करना स्टार्ट किया, वो वेट कंटिन्यू रहा और वो वेट खत्म भी हो गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। हम 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ रहे थे, हमने इंग्लिश पढ़ना माजी में स्टार्ट करी, माजी में कंटिन्यू रही और हम किसी को बता रहे हैं यार हम 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ रहे थे, अभी अभी क्लास ऑफ हुई है। तो मतलब इंग्लिश जो थी वो माजी में स्टार्ट हुई, माजी में कंटिन्यू रही, लेकिन अब जो है वो खत्म हो चुकी है। हम किसी को बता रहे हैं कि हम 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ रहे थे। वो 20 मिनट से गेम खेल रहा था, वो 20 मिनट से गेम खेल रहा था का मतलब ये कि पिछले 20 मिनट से उसने गेम खेलना स्टार्ट किया,
कंटिन्यू रहा और माजी में ही वो खत्म हो गया। मींस कहने का मकसद ऐसा है कि कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ वो माजी में जारी रहे और माजी में ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कहने का मकसद ये हुआ, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आप हम ये भी बोल सकते हैं कि वो सुबह से पढ़ रही थी, क्योंकि कल एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो सुबह से पढ़ रही थी कि कोई काम जो माजी में स्टार्ट हुआ माजी में जारी रहा, लेकिन अब हम शाम में बता रहे हैं किसी को, अगर ये रात में बता रहे हैं कि वो सुबह से पढ़ रही थी, अभी अभी पढ़ाई बंद करी, या वो सुबह से गेम खेल रहा था, या वो सुबह से पढ़ रहा था अभी अभी पढ़ना बंद कर रहा है, मतलब ऐसा एक्शन ऐसा अमल जो माजी में स्टार्ट हुआ माजी में कंटिन्यू रहा और माजी में ही खत्म हो गया, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत से टीचर इसे ऐसे भी समझाते हैं बेटा कि जिस एक्शन के अंदर टाइम मेंशन हो जाए वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और जिसमें टाइम ना हो वो पास्ट कंटीन्यूअस है। बहुत से लोग इसको इस तरह भी समझा रहे होते हैं। तो आपको मैंने दोनों चीजें सामने रखनी, जैसे आपको आसान लगे एक शॉर्ट डेफिनेशन भी मैं आपको इसकी सामने रख देता हूँ। शॉर्ट डेफिनेशन आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो आप इसके नीचे से लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको यही थोड़ी सी बता देता हूँ इसकी शॉर्ट डेफिनेशन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है। वो क्या है जरा देखिएगा, ऐसा एक्शन ऐसा अमल जो स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टेड इन द पास्ट, आप कह सकते हो स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्ट हुआ हो किसके अंदर, पास्ट के अंदर, कंटिन्यू, क्या कह सकते हो, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड इन द पास्ट, एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट, एंड एंडेड, एंडेड इन द पास्ट, और माजी में क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, कि ऐसा काम जो माजी में स्टार्ट हुआ माजी में कंटिन्यू रहा और माजी में खत्म हो गया। क्योंकि हमने अभी इससे पहले पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा और पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने ये पढ़ा था कि माजी में ऐसा काम जो चल रहा हो, तो ये दोनों मिक्स होकर कैसे आया कि ये चलता भी है और एक पॉइंट पे आके ये खत्म भी हो जाता है। इस टेंस को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिंस और फॉर का जो है वो इजाफा हुआ है, तो हम इसकी एक सिंस वाली एग्जाम्पल लिखेंगे और एक फॉर वाली एग्जाम्पल लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि वो सुबह से पढ़ रही थी, शी हैड बीन। देखें सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। कोई भी हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं कोई से भी टेंस का, अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने बोला शी हैड बीन, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, फॉर्म ऑफ वर्ब। शी हैड बीन स्टडी, शी हैड बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही थी। If you want to make the sentence of negative, अगर हम बनाना चाहें negative sentence, so how can we make, हम कैसे बना सकते हैं, she had not, अब देखिएगा negative के अंदर not जो है वो had been के बीच में आ रहा है, she had not been studying, वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी, she had not been studying since morning। अब हम बोल रहे हैं क्या वो सुबह से पढ़ रही थी, कि सवाल करें क्या वो सुबह से पढ़ रही थी, तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा जरा, तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा, हैड शी बीन, ठीक है, हैड आ जाएगा पहले, बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। इंटरोगेटिव देख लीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, हमने बनाया अफर्मेटिव, शी हैड बीन स्टडिंग, बहुत सिंपल था, सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ था, तो मैंने क्या यूज करा बेटा, सिंस यूज करा। अगर मुझे दो घंटे दिए हुए होते, 10 मिनट का आवा होता, 5 मिनट का आवा होता, तो मैं फॉर यूज करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, अगर मुझे ऐसे भी बोलते कि वो बचपन से पढ़ रही थी, वो दोपहर से पढ़ रही थी, वो सुबह से पढ़ रही थी, वो शाम से पढ़ रही थी, तो तब भी मैं सिंस यूज करता, और अभी भी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो मैं इसलिए मैंने क्या यूज करा है, मैंने सिंस यूज करा है, तो मैंने इसका अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया। अब मैं इसका इंटरोगेटिव बनाने जा रहा हूं। देखें इंटरोगेटिव बहुत सिंपल है, कैसे बनेगा, मैं हैड को आगे ले गया, उसके बाद मैं सब्जेक्ट लेकर आया हैड शी, और देन मैं बीन लिखूंगा, हैड शी बीन स्टडिंग, हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और मैं क्वेश्चन मार्क लगा। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा, तो चलिए इसकी एक फॉर वाले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लें। अगर हम ऐसे बोलना चाहें, आप थोड़ा सेंटेंस को चेंज करते हैं, क्योंकि हमें फॉर का भी यूज सीखना है, सिंस का यूज हम सीख चुके हैं, कि वो दो घंटे से पढ़ रही थी। अब हम सुबह से नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने टाइम ड्यूरेशन लिखा है, और अब जब हमने और करा इस सेंटेंस को, देखा कहीं लिखा हुआ देखा कहीं सुना, और हमें इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, तो हमने दो चीजें देखी कि इसके अंदर एक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, एक्शन कंटिन्यू रहा, और एक्शन क्या हो गया, एंड हो गया, तो हम बोलेंगे फौरन से हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम सुनते ही हमारे ब्रेन के अंदर जो लाइट जलेगी और हमारे ध्यान में क्या आएगा कि भाई इसके अंदर जो है ना हमें
हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगानी। तो इसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हमारे जहन में है तो हम इजीली कन्वर्ट कर देंगे उर्दू से या किसी और टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर। चलिए इसका हम फॉर वाला सेंटेंस बनाते हैं कि वो दो घंटे से पढ़ रही थी। शी हैड बीन, सेम टू सेम वही सेंटेंस आएगा, पूरा पूरा कॉपी करेंगे। शी हैड बीन स्टडिंग, लेकिन क्योंकि अब सुबह नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हम सेंस नहीं लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे। लिखिएगा कैसे, ऐसे बस सिंपल फॉर लिख देंगे, फॉर टू आवर्स। तो आप टू आवर्स को ऐसे लिखेंगे, तो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर टू आवर्स। अगर हम ऐसे बोलते हैं वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रही थी, तो शी हैड बीन स्टडिंग के बाद क्या आ जाएगा, इंग्लिश फॉर टू आवर्स। टेंसेस खत्म होने के बाद हम सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे, सारे टेंसेस, ठीक है। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जरा लिखिएगा। She had not been studying for two hours. वो दो घंटे से नहीं पढ़ रही थी। ये इसका कौन सा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, शी हैड नॉट, हैड के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। इस चीज को याद रखने वाली चीजें ध्यान में रखिएगा। Now I am going to make interrogative. अब मैं बनाने जा रहा हूँ कौन सा interrogative sentence. Interrogative के अंदर क्या होता है, had मेरा helping verb subject से पहले आ जाता है, तो मैं subject से पहले कर दूंगा had she, और being subject के बाद आता है had she been studying for two hours. और उसके बाद question mark. तो हमारी पास की जो कैटेगरीज की वो कंप्लीट हो गई, वी हैड कंप्लीटेड दी ऑल कैटेगरीज ऑफ पास्ट, हम पास्ट की सारी कैटेगरीज कंप्लीट कर चुके हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच।